हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है बिहार के सीतामढ़ी से कोलकाता पश्चिम बंगाल के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है सीतामढ़ी बिहार से कोलकाता पश्चिम बंगाल हावड़ा तक चलती है और इस ट्रेन 13166 ये वीकली ट्रेन है। सीतामढ़ी बिहार से ये हर इतवार को कोलकाता के लिए रवाना होती है। और इस अगर हम बात करें इसके ट्रेन के ट्रैवल टाइम के बारे में तो ये 14 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं। सीतामढ़ी बिहार से कोलकाता की जो दूरी है 620 किलोमीटर की ट्रेन जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 44 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको किराया बताऊंगा ये सीतामढ़ी से कोलकाता तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 1310 रुपये, थर्ड एसी का जो किराया है वो है 915 रुपये। इनमें जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 335 रुपये। स्लीपर क्लास में कोई जीएसटी चार्ज नहीं शामिल होता, बस रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 178 रुपये के करीब है। ये किराया जो है अपडेटेड किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कि सीतामढ़ी बिहार से कोलकाता इसके कौन कौन से स्टेशन हैं। दोस्तों, सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस जो है वो सीतामढ़ी जंक्शन बिहार से हर इतवार को रात के 10:25 पर रवाना होती है और इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं कोलकाता तक। और ये जो ट्रेन है 14 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और 620 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है पूरी। उसके बाद जो दूसरा स्टेशन आता है वो है जनकपुर रोड। यहाँ पर ये 10:45 पर रात को पहुँचती है और 10:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये कामतौल स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:03 पर और 11:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दरभंगा जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:20 पर और 12:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:40 पर और 1:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस जो है वो दल सिंह सराय स्टेशन में पहुंचती है रात के 2:03 पर और 2:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन में पहुंचती है। बरौनी जंक्शन में 2:50 पर पहुंचती है और 3:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका इंजन भी चेंज होता है, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन इस ट्रेन में लगता है। उसके बाद सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस जो है वो किउल जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:16 पर और 4:18 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है झाझा स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:40 पर और 5:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस जो है वो जासीडी जंक्शन में पहुंचती है सुबह 6:20 पर और 6:22 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस जो है वो मधुपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 6:45 पर और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 322 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल आसनसोल जंक्शन में पहुंचती है सुबह 8:10 पर और 8:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दुर्गापुर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9 बजे करीब और 9:01 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन बर्धमान जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:51 पे और 9:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सीतामढ़ी कोलकाता एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन कोलकाता में पहुंचती है 12:30 पे और 620 किलोमीटर की यात्रा जो है सीतामढ़ी से कोलकाता तक की कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वो भी फॉलो कर लीजिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस इंडियन रेल मुसाफिर पे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।